क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के मल्लूसर रोड स्थित घर में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में दिखाई दिए चोर। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का बेस्ट कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय बीटीयू बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशन्स ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर क्लॉक टावर थाना क्षेत्र के मलूसर रोड स्थित घर में चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी देते हुए घर के मालिक राजेश ने बताया कि उनका मकान मलूसर रोड पर है, जहां देर रात चोरों ने उनके घर के बाहर एक कमरा है वहां का ताला तोड़कर उसमें रखे कपड़े और उनकी माता जी के ₹80,000 चोरी कर फरार हो गए, जहाँ उन्होंने इसकी शिकायत क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी है। वहीं इस चोरी की वारदात में वार्ड पार्षद चंद्रशेखर बालोतिया ने बताया कि उनके द्वारा वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिसमें कुछ अज्ञात व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके वार्ड में कई चोरियां हुई हैं और सीसीटीवी में चोर चोरी करते हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस घटना की सूचना मिलते ही क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया, जहां पुलिस इस पूरे मामले में जाँच कर रही है। सर, क्या घटना हुई है? आज सुबह जैसे फोन आया था अपने प्रभात रेगर बस्ती से कि चोरी हो गई है, ताले टूटे हैं। मैं मौके पे गया तो दो दुकानों के ताले टूटे हुए थे और देखा तो कपड़े वपड़े जो ये फेरी लगा के बेचते हैं कपड़े, तो उसके आधार पे इनके करीबन 80-90 हज़ार के तो कपड़े ले गए और उसी थान के नीचे इनके पैसे दबाए हुए थे 80,000 रुपये, जो इनकी BCB खुली थी वो पैसे पड़े थे वो सब ले गए, और आसपास देखा तो ताले टूटे हुए पड़े थे चारों तरफ। फिर मोहल्ले से मौका मुआयना करा, लेकिन ऐसा कोई संदिग्ध आदमी नहीं मिला, लेकिन कैमरे के अंदर जो हमने विजुअल देखा उसके अंदर एक लड़का मिला है जो पैसे गिनते हुए और रुमाल में पैसे है, तो शायद मेरे हिसाब से संदिग्ध आदमी वही होना चाहिए। शिकायत दे दी इन्होंने? हाँ, इन्होंने क्लॉक टावर थाने पर शिकायत दी है। मौके पर पुलिस वाले आए, वो जाँच करके गए और अभी 10 बजे इनको वापस बुलाया है। गश्त तो होनी चाहिए, बीट कांस्टेबल से मैं आज वापस बात करूँगा इसी हिसाब से और ऐसे हिसाब से कि जो गश्त का जो टाइम है, जैसे 12-1 बजे आती है गश्त, उसके बाद में एक सुबह 4-5 बजे एक गश्त और लगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा टाइम होता है कि आदमी गहरी नींद में सोता है, 3:30-4 बजे बाद में आदमी गहरी नींद में सोता है, तो उस वजह से। और ये जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पहले भी ऐसी वारदातें हुई है मोहल्ले में, लेकिन वो कैमरे में कैद हुई है, लेकिन उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस टाइम में सीआई साहब अपने ऊसरी गेट वालों को, उनको भी मैंने कहा था बैटरियाँ चोरी हुई, उनका विजुअल दिया था मैंने, उसके बाद में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। आज भी एक फुटेज में दिख रहा है, वो पुलिस का काम है पहचानना कहाँ से आया बंदा, जब मैंने आपको क्लियर फुटेज दे दी है, अगर संदिग्ध है तो उसकी जांच की जाए और इन गरीब आदमियों को राहत मिल जाए, और आगे ऐसा हो के इनके साथ ऐसा नहीं हो, आज इनके साथ हुआ कल ना किसी और के साथ ना हो। परिचय चंद्रशेखर बालोटिया, पार्षद, वार्ड नंबर 14। सर, क्या सूचना मिली थी, क्या घटना हुई आपके? सर, ये सुबह के सुबह मतलब पड़ोसी से मिली थी, चाचा ने आके बताया था, दरवाज़ा खटखटाया था 4 के 3 के बीच में, मतलब दोनों दुकानों के ताले तोड़ के 80-90 हज़ार का तो माल ले गए और 80,000 रुपये कैश पड़े थे, मम्मी ने नीचे रखे थान के नीचे, वो 80,000 रुपये कैश ले गए, वो ले गए थे। कब हुई है ये वारदात? अपने सुबह हुई है आज, मतलब ये 3-4 के बीच में। कोई सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं अपने पार्षद जी हैं चंद्रशेखर जी, उनके घर पे मतलब अब देखा है जाके हमने, तो वो सीसीटीवी कैमरे में बता रहे हैं, उसके फोटो बता रहे हैं, वो मतलब मम्मी के जो रुमाल में बटुए में पैसे रखे हुए थे वो खोल के और पैसे को गिन रहा है, मतलब 80,000 रुपये जो मम्मी के थे ना कैश पेमेंट, वो गिन रहा था। कहाँ पर है आपका मकान? मेरा मकान है अपने मलूसर रोड शांति नगर, ये अपने दौलत अपने गोवर्धन हलवाई है, उसके ऊपर वाली सामने गली है, उस गली के अंदर है। कितने की चोरी हुई है? लगभग देख लो 1,80,000 तक की मतलब चोरी हुई है। हाँ, ये अपने कपड़े की है, मतलब कपड़े बेचती है मम्मी सूरत से लाके, माल वाल बेचती है, मतलब घर में घर के बाहर ही दुकान है, छोटी सी दुकान है, उसमें बेचती है, मतलब उसकी शॉप। शिकायत दे दी? हाँ, शिकायत मैंने उस गेट में दे दी, कलेक्टर में जाके अपनी FIR दर्ज करा दी मैंने, पुलिस आई थी, उन्होंने करा अभी और मौका मौना करा और अभी 10:15 बजे करीब मेरे को बुलाया है। ठीक है, आपका नाम बताएं? मेरा नाम राजेश है।